दिल्ली के दंगल में अब चुनाव प्रचार थम गया है और अब समय आ गया है वोटिंग का। 4 दिसंबर को दिल्ली के एमसीडी चुनावों के मद्देनजर वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक आप अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिसमन के बाद दिल्ली की 272 वार्डों की जगह अब 250 वार्ड रह गए हैं, जिसमें से 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। साथ ही साथ 42 वार्ड SC ST के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लगभग दिल्ली में 13,500 जगह ऐसी हैं जहां पे वोटिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। 68 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 68 पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पिंक पोलिंग बूथ का मतलब यह है कि वहां पे ज्यादातर स्टाफ महिलाएं रहेंगी। साथ ही साथ पिंक पोलिंग बूथ वहीं बनाए गए हैं जहां वोटर्स की संख्या में महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा है। यानी कि पूरी तरीके से चुनाव आयोग की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि पिछले कई सालों की तुलना में एमसीडी चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बेहद कम आता है। इसलिए ये कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान का इस्तेमाल लोग करें। यानी कि राजनीतिक बयानबाजी तो बहुत हो गई, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का दंगल लगातार जारी है। अब बारी है आपकी और हमारी, जहां हमें लोकतंत्र को बचाना है और मतदान का इस्तेमाल करना है। कैमरामैन अभिनव के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।